हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर रोशन सर। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रीजेनरेशन एंड बडिंग, है ना। सो इन योर साइंस एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 130 देयर इज अ सेकेंड हेडिंग रीजेनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। What is regeneration? Re means पुनः और generate means होता उत्पन्न होना। आपको एक छोटा सा example दूँ, फिर वहाँ समझ जाइएगा आप लोग। जैसे जो छिपकली होती है, छिपकली की पूँछ टूट जाने पे फिर से वहीं से एक फिर से ग्रो कर जाती है पूँछ, है ना। सो वह एक बार regenerate हो रही है। अब समझ गए होंगे आप लोग regeneration का मतलब, लेकिन वो reproduction नहीं है, उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन ठीक इसी तरीके से रीजनरेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है कि जीव का ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, जो कहीं से टूट के जहाँ से टूटेगी वहीं से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा, और जो वही एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। सो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे रीजनरेशन। ओके, सो चलिए देखते हैं रीजनरेशन। लिखा मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, है ना। कह रहा मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, है ना, कि बहुत से डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में फुल एबिलिटी किस चीज़ की होती है, टू गिव राइज, है ना, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करने की क्या होती है, फुली एबिलिटी मीन्स पूर्ण रूप से क्षमता होती है, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, कहाँ से, उनके बॉडी पार्ट्स मीन्स अंगों के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से, अंगों के भाग से उनको ना एक नए प्रोजेनी का प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है। सो वही कह रहा है, देन कह रहा दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट आर ब्रोकन अप इंटू मैनी पीसेस, मीन्स कह रहा दैट इज इफ द इंडिविजुअल, कह रहा यदि इंडिविजुअल मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसी को कह रहा है इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ, है ना, सम हाउ कट आर ब्रोकन, यदि उसका जो इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है रीजनरेशन के लिए, उसके बॉडी क्या से कोई भी पार्ट या तो कट जाता है या टूट जाता है इनटू मेनी पीसेस, कई छोटे छोटे टुकड़ों में, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट, ये जो मेनी पीस है ना छोटे छोटे, ये क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, एंड कह रहा ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, एक अलग, है ना, एक अलग इंडिविजुअल मींस एक अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मींस जो प्राणी का जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको कह रहा है या तो वो किसी भी कारण से समहाउ किसी भी कारण क्या हो जाए, या तो कट जाए या फिर ब्रोकन अप हो जाए, टूट जाए इनटू मेनी पीसेस कई छोटे छोटे टुकड़ों में, वही मेनी स्मॉल पीसेस क्या हो जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी या चेंज हो जाएंगी, किस में चेंज होगी, सेपरेट इंडिविजुअल, एक नए प्राणी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, बोला सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, है ना। यहाँ पे हाइड्रा हमको रीजनरेशन में भी पढ़ने को मिलेगा, आगे जो हम बडिंग पढ़ेंगे उसमें, मींस जो हाइड्रा है ना इसमें दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों टाइप्स होता है, रीजनरेशन भी एंड बडिंग भी। ओके, सो कह रहा है कि हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इंटू एनी नंबर ऑफ पीस, कई पीस में, है ना, किसी कितने भी नंबर के पीस में, मतलब कितनी भी संख्या में वो क्या हो जाए, टूट जाए, हाइड्रा और प्लेनेरिया, है ना। कह रहा ईच पीस ग्रो इंटू कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म, जितनी पीसेस क्या होंगी, टूट जाएंगी सारी पीसें, क्या हो जाए सारी पीसेस क्या हो जाएंगी, जितने भी टुकड़े हैं ना हाइड्रा की बॉडी की या प्लेनेरिया की बॉडी की, वो सारे टुकड़े फिर ग्रो कर जाएंगे एक कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म में। सो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। सो वही कह रहा है
कि दिस इज नोन एज रीजनरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। ओके, कह रहा है रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। रीजनरेशन जो होता है वो स्पेशल टाइप की सेल के कारण होता है। दीज सेल प्रोलीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये क्या होती है, प्रोलीफरेट होती हैं, मींस क्या होती हैं, संगठित होती हैं, और फिर क्या होगा, मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, और सेल की एक जो है लार्ज नंबर बनाती हैं, मींस ढेर सारी संख्या में क्या हो जाती है, एकजुट हो जाती है ये सारी सेल, तो फिर वही सेल क्या हो जाएंगी, टूट के न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगी। सो उसे कह रहा है कि मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, सेल की कई संख्याएं बनाती हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, उस सेल के जो सेल का वो जो एक यूनिट है, सॉरी जो सेल आपस में प्रोलीफरेट होके एक क्या बनाई, मास का प्रोडक्शन की है, मींस एक सेल का एक जो ग्रुप है उसको कह रहा है कि फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, सेल के उस ग्रुप से डिफरेंट सेल अंडरगो, उसमें से कई विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अंडरगो चेंज, बदल जाएंगी, है ना, क्या हो जाएंगी, चेंज होने लगेंगी, एंड बिकम, और बनेंगी क्या, चेंज होकर क्या बनेंगी, वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू, कि सेल की कोशिका की के विभिन्न प्रकार के रूप में चेंज हो जाएंगे, मींस कोशिकाओं के विभिन्न रूप में चेंज होंगे या फिर किस रूप में चेंज हो जाएंगे, टिश्यू के रूप में। ओके, कह रहा है दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रिफर्ड टू एज डेवलपमेंट। कह रहा है दीज चेंजेस, ये जो चेंजिंग है ना, इन चेंजिंग को कह रहा है टेक प्लेस, होता है ना, इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, एक संगठित रूप में होता है, रिफर्स टू एज डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है उनका तब। कह रहा हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ये लाइन आपके लिए बहुत मस्ट है समझने के लिए, क्या कह रहा है, हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, जबकि जो ये रीजनरेशन है ना, ये रिप्रोडक्शन के ठीक तरीके से नहीं होता, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो शरीर के किसी भी पार्ट से नहीं हो सकता, उसके लिए एक स्पेशल मींस एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है या पर्टिकुलर पार्ट होता है बॉडी का, है ना, सो किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है कि बॉडी कहीं से भी टूट रही है वहाँ से रीजनरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जा रहा है। सो इसलिए कह रहा है कि हाउ यूवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, या एकदम रिप्रोडक्शन के समान नहीं है, सिंस चूंकि मोस्ट ऑर्गेनिज वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड, कई विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज नॉर्मली सॉरी वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड, जो एकदम डिपेंड नहीं होते हैं क्या, ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोडक्शन, जो उनकी बॉडी कहीं से भी टूट जाती है वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं होती है, मींस कहने का ये मतलब कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन होने की कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके लिए एक स्पेशल पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया में हो रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो इसलिए कह रहा है कि ये एकदम रिप्रोडक्शन की सेम नहीं होता, बट इट इज आल्सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, और किस रिप्रोडक्शन का टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं, बडिंग। व्हाट इज बडिंग, बड मीन्स होता है गांठ लाइक स्ट्रक्चर, गांठ लाइक, देख रहे हैं आप, ये हाइड्रा की फिगर में भी देखिए, ऊपर देखिए प्लेनेरिया वाला दिया है, ये प्लेनेरिया क्या हो रहा है कि देखिए कई बॉडी पार्ट, उसकी बॉडी जो है कई पार्ट्स में टूट रही है और टूट के वहीं से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जा रहा है, वो न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रो हो जा रहा है ना। सो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन। नेक्स्ट बडिंग, बडिंग का मतलब मैंने अभी बताया कि गांठ, मीन्स बॉडी पे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कहीं पे एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है, और वो क्यों होता है कि उसमें बार बार सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के कारण वहाँ पे कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पे बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, वही बड लाइक स्ट्रक्चर एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। सो आगे ये देखते हैं, कह रहा ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, सच है जैसे कि हाइड्रा, अभी हाइड्रा ऊपर भी पढ़े हैं, फिर यहाँ पे हाइड्रा में स्पेशल बडिंग के लिए ही यूज किया जाता है, जाना जाता है कि हाइड्रा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप स्पेशली यही बताओ कि बडिंग। ओके, रीजनरेशन भी हो सकता है बट स्पेशल क्या होता है इसमें, बडिंग। सो होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हाइड्रा का, है ना, यूज रीजनरेटिव सेल,
जैसे कि कहने का मतलब रीजनरेटिव सेल का मतलब आप समझ चुके हैं कि ऐसी सेल जो जिनमें ना जनरेशन की पुनः कैपेबिलिटी, एक बार फिर कैपेबिलिटी हो, जैसे जो सेल है वो उसी, या फिर जैसे प्लेनेरिया था उसकी बॉडी पार्ट जो टूटे हैं खंड खंड में, तो जो बॉडी पार्ट टूट के एक अलग खंड में गया उसमें भी कई सेल हैं, तो उस सेल में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है ना, रीजनरेशन करके वो क्या हो जा रही है कि एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जा रही है। तो ऐसे सेल को कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज जनरेटिव सेल। ये हाइड्रा क्या करता है, कैसे सेल को यूज करता है, रीजनरेटिव सेल का फॉर रिप्रोडक्शन, क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग प्रोसेस में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए किस प्रकार की सेल का यूज करता है, हाइड्रा, रीजनरेटिव सेल का। ओके, कह रहा है इन हाइड्रा ये बड डेवलप्स। हाइड्रा में क्या हो जाता है, एक बड, एक गांठ क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, डेवलप हो जाती है एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू, एक आउट ग्रोथ के रूप में है ना, एक आउट ग्रोथ के रूप में उसकी बॉडी पे डेवलप हो जाएगी। कह रहा ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, अभी मैंने बताया बार बार सेल डिवीजन होता है इसी के कारण है ना, एट वन स्पेसिफिक साइट, एक किसी स्पेसिफिक साइट पे बार बार सेल डिवीजन होगा तो एक किसी स्पेसिफिक साइट पे क्या हो जाएगा, बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है। कह रहा है दीज बड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, ये बड फिर डेवलप होने लगता है छोटे 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 इंडिविजुअल के रूप में, छोटे ऑर्गेनिज्म के रूप, पहले तो मींस ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझ रहे हो कि जीवधारी को कह रहा, इंडिविजुअल का मतलब एक जीवधारी की, सो वो क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल के रूप में क्या हो जाएगा, डेवलप होने लगेगा। एंड व्हेन, जब वो क्या हो जाएगा, फुली मेच्योर हो जाएगा, डिटैच, फिर वहाँ से जहाँ से वो अटैच है वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, मींस अलग हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स की बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। एंड बिकम, और फिर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र इंडिविजुअल के रूप में हो जाएगा। अब वो अपने पेरेंट के ऊपर आत्मनिर्भर के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, अब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, मींस इसीलिए कह रहा बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, समझ रहे हैं। सो क्या वो क्या, इसको स्पेशली आप यही समझिए कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर, बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, वो बड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रोथ करके फिर टीनी इंडिविजुअल में चेंज होगा, फिर वो टीनी इंडिविजुअल जब क्या हो जाएगा, फुली मेच्योर हो जाएगा, तो अपने पेरेंट्स की बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। सो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग। सो आई होप कि आपको रीजनरेशन एंड बडिंग दोनों रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।